हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स क्लासेस में। आज का जो हम लोगों का लेक्चर है वो है आपको क्रेता और भाई सौतेला भाई, मतलब क्रेता और विक्रेता जो है वो एक सौतेला भाई है, वो कैसे है वो आपको समझना है। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप बाजार के इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और एक आप बेहतर क्रेता और विक्रेता बन सकते हैं, या तो क्रेता या तो विक्रेता, है ना, आप बन सकते हैं। तो चलिए आते हैं बिना देर करते हुए लेक्चर की ओर। देखिएगा, एक बाजार में एक क्रेता था और एक विक्रेता था। सबसे पहले ये समझ लीजिए विक्रेता और क्रेता होता क्या है। विक्रेता का मतलब होता है जो वस्तु को बेचता है, जो वस्तु को बेचता है, और क्रेता का मतलब होता है जो वस्तु को खरीदता है, है ना। तो अभी का जो हम लोग का बाजार का जो हम लोग देखते हैं, हर स्थिति को देखते हैं कि विक्रेता और क्रेता दोनों विवेकशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, क्रेता भी विवेकशील होते हैं, ये भी विवेकशील होते हैं और ये भी विवेकशील होते हैं। मतलब विक्रेता चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कीमत में अपनी वस्तु को बेच दें, और वहीं पे क्रेता चाहता है कि हम जितना कम में वस्तु को खरीद ले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे अभी के टाइम में, अभी के समय में आप सभी को देख रहे होंगे, एक बाजार में, है ना, सरसों तेल का रेट बहुत ज्यादा अधिक हो गया है ना। तो अभी देखिएगा, तो यहां पर क्रेता चाहता है कि सरसों तेल जितना कम में हमको मिल जाए, है ना, और एक विक्रेता चाहता है कि जितना प्राइस इसका अधिक हो जाए, क्योंकि इसको लाभ कमाना है और इसको भी लाभ कमाना है। लाभ कैसे कमाना है? ये जितना कम में वस्तु को परचेज करेगा उतना ज्यादा इसको फायदा होगा। तो यहाँ पे क्रेता और विक्रेता एक भाई ही है। क्रेता किसके पास सामान लेने के जाएगा? विक्रेता के पास ही। लेकिन यहां पर क्रेता अपने प्रॉफिट के लिए वो चाहेगा कि किसी भी वस्तु को हम कम से कम दाम में खरीदे, और विक्रेता चाहेगा कि हम जितना से ज्यादा दाम में उसको बेच दे। इसीलिए मैंने क्रेता और विक्रेता को भाई का दर्जा दिया है दोनों को, लेकिन सौतेले भाई का दर्जा मैंने दिया है, ठीक है। अब आते हैं, यहीं से आपका एक और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। एक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होता है, देखिएगा, क्रेता जो है विक्रेता से कुछ गुड्स को खरीदता है, कुछ कोई भी सामान को खरीदता है, इसका मतलब मांग करता है ना। तो मांग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्रेता या तो उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए तो ये क्रेता को हम लोग उपभोक्ता भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम एक तरह से उपभोक्ता भी है। और उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए, है ना, और वो चाहता है कि कम से कम दामों में अपने ये जो भी चीज है उसको हम लोग खरीदे, है ना, ये उपभोक्ता का थिंकिंग होता है। तो यहां पर जैसे उपभोक्ता जो है विक्रेता से या उत्पादक से क्या करता है? मांग करता है, वस्तु की मांग करता है। तो यहां पर एक टॉपिक क्रिएट हुआ मांग का, डिमांड का एक टॉपिक क्रिएट हुआ। और यहां पर देखिएगा कि कोई भी क्रेता और कोई भी उपभोक्ता वो चाहेगा कि किसी भी वस्तु की कीमत जो है, कीमत अगर वस्तु की बढ़ जाती, जैसे अभी मान लेते हैं सरसों तेल की कीमत बढ़ गई, तो कोई भी क्रेता उसकी मांग क्या करेगा? कम करेगा। मांग क्या करेगा उसका? कम करेगा, मतलब मांग का देखिएगा एरो नीचे की ओर हो गई। और उसी के जस्ट अपोजिट अगर कीमत जो है आपका घट जाए तो मांग क्या हो जाएगा उसका? ज्यादा हो जाएगा, सरसों तेल की मांग ज्यादा हो जाएगी। अभी जैसे सरसों तेल 200 रुपया केजी मिल रही है, 200 रुपया केजी से वह 120 रुपया केजी हो जाए तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, उसका मांग जो है बढ़ जाएगा। तो ये क्रेता का थिंकिंग होता है। तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्रेता चाहता है, उपभोक्ता चाहता है कि कीमत जितना कम हो मांग हम उतना ज्यादा करेंगे, है ना, और कीमत जितना अधिक हो मांग उतना हम लोग कम करेंगे। ये क्रेता का थिंकिंग होता है एक बाजार में, है ना। तो ये मांग, यहां पे एक और भी कॉन्सेप्ट है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि कीमत और मांग में कैसा रिलेशनशिप हो रहा है? उल्टा,
है ना। डेट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं दोनों के बीच जो संबंध है आपका विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध को दिखा रहा है, यानी तो आप बोल सकते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक संबंध को दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो आप लोग इसको आगे इसको देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मांग का जो है इसका ग्राफ कैसे होता, कैसे क्रिएट होगा, इसके ग्राफ को भी उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना। तो आप लोग देख लिए होंगे, अब हम लोग देखेंगे कि मांग जो है, मांग का जो मतलब ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा। तो देखिएगा, तो मांग का मैंने देखा क्या कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती है मांग वैसे वैसे क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। किसी भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ती जाएगी तो उस वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। तो यहां पर जो इसका एक हम लोग देखा जाए, इसका जो ग्राफ हो जाता है आपका इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, यहां पे प्राइस हो जाएगी 3400 और यहां पे क्वांटिटी हो जाएगी, इस तरह से इसका ग्राफ हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे कीमत बढ़ते जाएगी वैसे 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 ये क्वांटिटी का जो है आपका, जैसे जैसे कीमत घटते जाएगी मांग उस तरह से बढ़ते जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपको ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है ना। आपका प्राइस मान लेते हैं 10 था तो मांग 1 था, फिर प्राइस 9 हुआ, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरह से फिर 8 हुआ, फिर ये 3 हो गया, है ना। इस तरह से मतलब देखा जाए प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है मांग वैसे वैसे क्या हो रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। तो इस तरह से प्राइस जैसे जैसे कम होते जाता है मांग उसी तरह से बढ़ते जाता है। तो इस तरह से उसका सिंबल हो जाता है डिमांड का, ये कर्व हो जाता है, डिमांड का ये कर्व हो जाता है इस तरह से। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर ये क्लियर हो रहा है इस शेड्यूल से कि कीमत और मांग में कैसा संबंध हो जाता है, विपरीत संबंध हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो यहाँ पे ये आता है, इसी को हम लोग मांग का नियम भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि मांग का नियम का क्या डिफिनेशन है, तो मांग के नियम का डिफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं, जब अन्य बातें समान रहने पर या अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से अर्थात मांग और कीमत के बीच विपरीत अर्थात ऋणात्मक संबंध होता है, इस तरह से आप डिफिनेशन को दे सकते हैं मांग का। अब ये ग्राफ को आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो ये अब ये तालिका है और ये ग्राफ है, ये तालिका बस एक आप लोगों को दिखाने के लिए दिया गया कि इसका डिफिनेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विक्रेता पक्ष की ओर। विक्रेता पक्ष की ओर भी कुछ ऐसा ही होता है, विक्रेता पक्ष की है ये पक्ष की ओर साइड क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट्स कर ले या देख। अब हम लोग देखेंगे कि विक्रेता के पक्ष में आ जाएंगे। विक्रेता का जो पक्ष होता है वो जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करती है कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का दाम को इंक्रीज कर दिया जाए, है ना। ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि उसको लाभ कमाना होता है ना, वो चाहता है। तो यहाँ पे देखा जाए विक्रेता को हम लोग उत्पादक भी बोल सकते हैं, है ना। विक्रेता का दूसरा नाम उत्पादक भी बोल सकते हैं, जो वस्तु का उत्पादन करता हो या जो वस्तु को बेचता हो, है ना, उसको हम लोग विक्रेता बोलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए कॉन्सेप्ट है कि मान लेते हैं प्राइस है आपका, प्राइस है, और यहां पर क्या होता है कि विक्रेता क्या करता है, वस्तु को बेचता है। बेचता का मतलब क्या होता है, सप्लाई करना, सप्लाई करने का मतलब पूर्ति करना, इसको पूर्ति बोलते हैं हिंदी। तो विक्रेता यहां पे पूर्ति करता है, है ना। तो मान लेते किसी भी वस्तु का प्राइस अगर 1 रुपया है, फिर प्राइस 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो 1 रुपया पे मान लेते वो 10 वस्तु को बेचता था, 2 रुपया पे वो क्या करेगा, ज्यादा वस्तु को बेचेगा, कम नहीं बेचेगा, वो ज्यादा चाहेगा बेचेगा। क्योंकि देखिएगा एक विक्रेता चाहता है कि किसी भी वस्तु का रेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। जैसे अभी देखा जाए कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका सरसों का तेल। सरसों का तेल प्रेजेंट टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि सरसों का तेल अभी 220-200 रुपए केजी अभी लीटर मार्केट में बिक रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि विक्रेता चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेट हो, क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा, है ना। तो यहाँ पर वही फंडा है। तो जैसे जैसे प्राइस देखिए इंक्रीज हो रहा है, उनका उनका जो है सप्लाई जो है वो चाहेंगे कि ज्यादा हो जाए, सप्लाई क्या चाहेंगे वो ज्यादा आ जाए, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, वो कम सप्लाई नहीं करेंगे। तो सप्लाई क्या करेंगे, वो कम नहीं करेंगे। जैसे जैसे प्राइस किसी भी वस्तु का इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि वह ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचना चाहेंगे। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है पूर्ति का, सप्लाई का। क्यों, क्योंकि विक्रेता पक्ष चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉफिट हो, इसीलिए। तो इसका भी एक तालिका, एक ग्राफ हम लोग अगर देख ले, तो ग्राफ अगर इसका ग्राफ देखे तो मान लेते हैं प्राइस इस साइड होता है,
और क्वांटिटी इस साइड होता है, यहां पे एक्स यहां पे वाई। तो यहां पे देखा जाए एक के दस, मतलब इस तरह का ग्राफ हो जाएगा उसका। आप लोग देखिएगा एक दो तीन चार पांच, इस तरह से देखिएगा इसको। तो इस तरह से इसका ग्राफ होते जाएगा, है ना। मतलब इसका एक तरह से बोला जाए कि यहां पर प्राइस और सप्लाई में एक ऐसा रिलेशन होता है। तो कीमत, वो चाहता है विक्रेता कि कीमत अगर अधिक हो तो पूर्ति क्या होना चाहिए, पूर्ति भी अधिक होना चाहिए। तो कीमत देखिए बढ़ रहा है और यहां पे पूर्ति देखिए भी, पूर्ति भी बढ़ रहा है ना। अगर पूर्ति, अगर कीमत कम हो, पूर्ति भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है विक्रेता का। तो यहां पे देखा जाए कीमत और पूर्ति के बीच कैसा संबंध है। तो कीमत और पूर्ति के बीच सीधा, या बोल सकते हैं पॉजिटिव, है ना, संबंध है, ऐसा संबंध है इसका। मतलब इसका पॉजिटिव संबंध होता है, सीधा संबंध होता है किसके बीच में, मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा संबंध होता है, तो यहां पर सीधा संबंध होता है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट आया मांग और पूर्ति का, वो कहां से कॉन्सेप्ट आया, क्रेता और विक्रेता से मैंने उसको क्रिएट किया। और क्रेता और विक्रेता सौतेले भाई कैसे हैं, तो आप लोगों ने समझ लिया, दोनों तो भाई हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दोनों क्या करते हैं, वो क्रेता चाहते हैं कि मुझे जितना कम से कम में मुझे सामान मिल जाए, और विक्रेता चाहता है कि मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा दाम में उसको हम लोग सेल कर दे, बेच दे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होकर क्या है, एक मांग और पूर्ति का। तो यहां पर पूर्ति का नियम अगर मान लेते हैं, कोई पूछा कि पूर्ति का नियम क्या है, तो आप बता सकते हैं अन्य तत्वों के समान रहने पर या अन्य बातों के समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी, उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, और उसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। अर्थात कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसको भी अच्छे से आप लोग नोट्स कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से शॉर्ट वीडियो आप लोगों के बीच आएगा, और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से इसी तरह बने रहें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।